सैफ भाई क्योंकि मेरे उस्ताद हैं तो मेरे उनसे बहुत जान निकलती है, तो मैं ज़रा सेट पे थोड़ा बैकफुट ही रहती थी। दानियाल के साथ बहुत मज़ा आया मुझे काम करके। दानियाल ज़फ़र बहुत अच्छा एक्टर है, आई मस्ट से ही इज़ अ गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। उसको एग्जैक्टली पता है उसको कहाँ लाइन डिलीवर करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सो ही इज़ वेरी मच देयर। अलीज़े वॉज गुड टू। देन नुमान, आपने देखा होगा, नुमान ने बहुत अच्छा काम किया, हसन नुमान ने। कोमल रिजवी क्यूट औरत, एक एक इतना बड़ा सा हार्ट है वो, ऐसे करते थे कर बहुत प्यारी हैं वो। डैनियल बड़ा मुझे मैच्योर भी लगते हैं अपनी एज के लिए ना। आई हैव हर्ड सम ऑफ हिज इंटरव्यूज एंड द वे ही टॉक्स, लाइक ही नोज, लाइक बड़े उनकी कमांड है, मतलब ही बिकॉज़ ही इज क्वाइट यंग। बिल्कुल, उसको म्यूजिक का बड़ा पता है और चलो म्यूजिक तो उसके घर में है, बट उसको एक्टिंग की जितनी नॉलेज है और जितना वो पढ़ा हुआ है एक्टिंग के बारे में, उसको एग्जैक्टली हर चीज पता है। उसको कभी कुछ बताना ही नहीं पड़ा, जैसे नए लोगों को आप बताना पड़ता है, आपको नहीं बताना पड़ा। फिर उसमें बिल्लू हैं, एक आपने देखे हैं छोटे बिल्लू जो है हमारे बिलाल, उनका नाम यशराज है। और यशु एक बहुत ही क्यूट है, बहुत ही उनको उनका नाम हमने बिल्लू यशु जो जो जब सामने आते हैं तो उनका नाम हम रख देते हैं। ही सो क्यूट माशाल्लाह से, एंड कमर्शल्स करता है। और अब पहला ड्रामा था उसका, बहुत मज़ा आया मुझे बिल्लू के साथ, सो नाइस, सो क्यूट। ये बताएं, जब फैसल कुरैशी से जब पहली बार मिली, क्या क्या सोचा, क्या इंप्रेशन पड़ा था? हाय, मुझे तो याद नहीं कि मैं फैसल से पहली दफ़ा कहाँ मिली थी। अच्छा। बिल्कुल मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त फैसल लाहौर में काम करते थे और हम लोग कराची होते थे, तो उस वक्त फैसल लाहौर से कराची आते थे यहाँ शूट्स करने के लिए, सेटल नहीं हुए थे। तो उस वक्त कहीं मेरी किसी शायद सीरियल पर ही मुलाकात हुई है, और बस अचानक से दोस्ती हो गई मेरी और फैसल की, पक्की दोस्ती हो गई। अच्छा। तो फैसल के सारे राज और मेरे सारे राज फैसल के पास, और हमारी ऐसी दोस्ती होगी। फिर वो माइयों से तो ऑलरेडी दोस्ती थी बहुत, तो ये पूरा एक गैंग बन गया हमारा सबका। और उस वक्त हम बहुत हैंग आउट करते थे साथ, बस फिर बिखर गए सब, इधर उधर हो गए। लेकिन जो मेरा एक दोस्त है जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, वो है शहूद अलवी। तो शहूद की और मेरी दोस्ती को भी एक्चुअली 25 साल हो गए, और हमारे बच्चे सामने हुए एक दूसरे के, शादियाँ, सब सब जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, फ्रॉम नथिंग टू बाइक टू मर्सिडीज, शहूद अलवी, मैंने उसका वो पूरा सफ़र देखा है। तो उसने मुझे बिल्कुल नथिंग टू हेयर एंड नाउ व्हाट आई एम, ही नोज इट ऑल। सो ही इज़ वन फ्रेंड जिसके बगैर शायद मुश्किल है सर्वाइवल, मुझे लगता है। सपोर्ट है बहुत, फैसल जो है वो बहुत, फैसल को रोकना मुश्किल है क्योंकि वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मतलब बड़े एडवेंचरस है। हाँ, वो एकदम, हाँ मतलब उसको एकदम अगर ख्याल आ गया ना इसकी गाड़ी का टायर पंक्चर करना है तो कर देगा। सीरियसली? अब अगला रो रहा है। हाँ हाँ, फैसल के दिमाग में कभी भी कुछ भी आ सकती है शरारत। अच्छा, और अदनान सिद्दीकी भी बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान को भी एक दिन, हमें और अदनान जा रहे थे बीच पे शूट करने, तो बहुत लंबा रास्ता था, तो मैं बहुत सारी मंचीज लेके ना गाड़ी में रखती। अब इसने मुझे पिक करना था, हमने इसकी जीप में जा रहे हैं। अब हम जा रहे बीच में कहीं जाके हाईवे पे गाड़ी जो थी वो उधर रोड पे कहीं गाड़ी ब्लॉक हो गई, बहुत सारी गाड़ियों के ट्रक रखी। तो अब ये नहीं सोच रहा कि हम 2 घंटे यहाँ बंद रहेंगे, कैसे खाएंगे पियेंगे, क्या करेंगे, या 4 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ नहीं पता, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अदनान साहब ने वो थैला उठाया, हर रिक्शा वाले को, बस वाले को, गाड़ी वाले को, जो बच्चे बैठे थे गिर्द, उन सब को चीज़ें बांट दी। मैं कह रही हूँ एक बिस्किट तो रख लेते, मुझे तो भूख लगती। मैं भी तो गरीब बच्चे खाएंगे जे, दुआ देंगे। मैं कहा अल्लाह करे दुआ दे, हाँ ठीक है, मगर मुझे भी तो कुछ खाना। तो अदनान इस टाइप का है कि वो बस देखता है कि अच्छा किसको क्या दिक्कत हो, चलो। He helps a lot. और वो अनइंटेंशनली करता है, वो सोच के नहीं करता। तो मुझे उसकी ये बात बहुत फिलबदी सा जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी कुछ कुछ भी हो सकता है। दान है, किसी भी वक्त एक नया सरप्राइज होगा। That's nice. And रमशा, उनके साथ आपने किया है, ठीक ही है, खट्टी मीठी है, करारी, क्या है रमशा एक्चुअल में, बताएं, हमें तो सामने नजर आती है ना। शदीद खट्टी मीठी औरत है। हाँ हाँ, बहुत मज़ेदार हैं, और उनके उनको एकदम से लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ लाइफ में। फिर एकदम उनको बताया जाता है, यू तुम रमशा हो, तुम सब कुछ कर रही हो, यू स्टार, तुम्हारा सीरियल चल, हाँ हाँ, फिर टीवी सीधी हो जाती है एकदम। दैट्स सो नाइस। हाँ, वो बहुत क्यूट है, और उनको ज़रा सा कुछ लगता है कि फलाने नहीं बोला, फौरन मुझे फ़ोन करेगी, यार चाहिए देखें, यार चाहिए। तो मुझे उसका वो प्यार बहुत
बहुत प्यारा लगता है कि वो हर अपने दुख में मुझे शामिल रखती है या एक्साइटमेंट में या प्यार में वो मुझे शामिल रखती है, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, अच्छी रिलेशनशिप है आपकी। अब हम एक छोटा सा आपके साथ सेक्शन करें, सेगमेंट करेंगे, इफ़ यू वेक अप एज, अगर आप सुबह उठें और आप मीरा जी हैं तो क्या करेंगी सबसे पहले? नो नो नो, वाकई मैं मीरा हूँ, इतनी खूबसूरत है मीरा, मेरा बहुत खूबसूरत है, तो आई एम श्योर कि मैं अगर मैं मेरे मुंह पे मीरा का मुंह होता तो मैं तो यशराज की कोई फिल्म साइन कर देती फौरन। हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, नहीं बहुत अच्छा, अगर मेरे मुंह पे मीरा का मुंह होता ना, मतलब उसके साथ, तो फिर तो बस मैं यशराज फिल्म्स कर रही होती। आई लाइक इट। इफ यू वेक अप एज सजल अली, सज्जल, आई वुड चेंज माई हेयर स्टाइल लाइक दिस। आई थिंक शी इज़ अ गुड यंग गर्ल और वो बहुत आंटी उसमें रहती है, मुझे लगता है उसको बहुत जाके एक शॉप। हाँ, मैं ऐसी हूँ ना, खुद छोटे छोटे कर लेते हैं सब। रीमा जी, उफ, आई लव हर, आई लव 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 हर। अगर आपको किसी की ट्रांजेक्शन रियली इंडस्ट्री में देखनी है और किसी से सीखना है कि औरत को कैसा होना चाहिए, छोड़ दें लड़की वड़की, एक औरत को कैसा होना चाहिए जब वो रीमा बन जाएगी, तो वो रीमा है। ओके, कि जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया एज एन एक्ट्रेस, फिल्म्स की, और उसके बाद सब छोड़कर अब वो अपना घर संभाल के जिस खूबसूरती से वो टीवी पर आती हैं और वो बात करती हैं ग्रेस के साथ और उनका इतना अच्छा इमेज है जो अब उन्होंने अपना बिल्ड किया है, जिस तरह के वो कपड़े, मैंने उनको कभी डीप गलों में नहीं देखा, मैंने उनको कभी स्लीवलेस, मतलब मैंने उनको कभी बुरे लिबास में नहीं देखा, मैंने उनको बहुत अच्छे लिबास में देखा है। इवन रेशम जी कितना अच्छा तैयार होती हैं, हाँ, तो अगर आपको किसी से सीखना है कि इंडस्ट्री में एज करके ग्रेसफुल कैसे रहते हैं, तो आपके पास ये दो मिसालें हैं बहुत बड़ी। सही कह रही हैं आप। माहिरा खान, उफ, आई वुड गो टू शाहरुख खान हाउस एंड लिव देयर। ये सही बोले आपने, बिल्कुल सही। आई विल लिव देयर। गौरी प्लीज, गौरी मैं आ गई हूँ, मुझे दो दिन के लिए रख लो। और नहीं नहीं, ये कमरा मेरा हो गया, तुम लोग अपना जो करना है करते रहो, मैं दो तीन और फिल्में साइन करती हूँ, मुझे यही रखते हैं। और आपको मैं प्लीज़ वैसे ही बोलना चाहती हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ माहिरा खान, शी इज़ द ओनली एक्ट्रेस जिसने इंडिया जाके हाई नाक नहीं कटाई और उसे बहुत अच्छा काम किया, एंड शी लुक्ड ब्यूटीफुल। शान, इरेज माई मेमोरी, जितना मैंने गंडासों वाला काम किया लाइफ में सब इरेज कर देती हूँ, और मैं सिर्फ याद रखती, जब मैं लक्स स्टाइल अवार्ड में आकर स्पीच देता हूँ, मैं सिर्फ वो याद रखती और मैं सिर्फ यही करती अपनी लाइफ में। सर कितना, और मैं पढ़ाती लोगों को, आई थिंक अगर मैं शान होती तो मैं लोगों को फिल्म पढ़ाती, एक्टिंग नहीं, मैं फिल्म पढ़ाती, क्योंकि जितना शान का तजुर्बा है वो फिल्म बना के दिखा रहे हैं अपना तजुर्बा, आई थिंक उनको अपनी टीम बनानी चाहिए, उनको लोगों को पढ़ाना चाहिए, हम जैसे लोगों को और बहुत बेहतर लोगों को जो फिल्म पढ़ना चाहते हैं। शान शुड हैव एन एकेडमी इन पाकिस्तान एंड टीच। इतने अच्छे जवाब, आई थिंक वो मेरे पास अगर बास्केट होती ना उनके पास, तो मैं आपको देती कि ये इनाम गिफ्ट हैंपर पर आपका हुआ। इतने अच्छे जवाब मेरे ख्याल में मुझे किसी ने इस सेगमेंट के नहीं दिए हैं। इट वॉज फन, इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सुनकर, और कुछ मज़े की और कुछ आपने बड़ी सच्ची अच्छी बातें बोली। अच्छा, एहसन खान से भी तो बड़ी दोस्ती है आपकी, बहुत, उनका कोई किस्सा नहीं सुनाया आपने? एहसन जब सुबह सेट पे आए तो आप उनको बोल दें, अच्छा बताती हूँ मैम, हम सीरियल कर रहे थे तो सुबह सुबह ना मूड नहीं हो रहा था काम करने का, तो पहली दफ़ा हमने ये किया, मूड नहीं हो रहा था, तो ये आया सेट पे, एहसन तुम्हारी आँखें थोड़ी सी सूज नहीं रही, क्या हुआ मेरी आँखों को, क्या हो गया? मैंने कहा मुझे लग रहा है तुम्हारा मुंह थोड़ा सा सूज रहा है, हैं बर्फ लेकर आओ, तीन घंटे की छुट्टी। उसके बाद एहसन अपने मुंह पे बर्फ रख के लेटे हुए, देखो ठीक हो गया। तो एहसन इज सच अ क्यूटी कि हम लोग तीन तीन चार चार घंटे का जब हमें ब्रेक चाहिए होता था, हम कहते थे एहसन तुम्हारा मुँह सूज बस उसके बाद ब्रेक। बट ही इज अ ब्रिलियंट 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 एक्टर, और मुझे लगता है कि जो होस्ट कर रहा है बहुत अच्छे शोज कर रहा है, बहुत मजा आता है उसके शोज देखती हूँ। सही बात है। बस हम रैप अप करते हैं, जाने से पहले आप नए एक्टर्स को और जो बच्चे या लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं उन्हें क्या एडवाइस देंगी? एजुकेट योरसेल्फ,
और बहुत ज़रूरी है सेल्फ एजुकेशन. सब कुछ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखाते हैं. आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आपके पास गूगल है. हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं था. तुम लोगों के पास सब कुछ है, तो एजुकेट योर सेल्फ और इज़्ज़त करें सबकी. इंडस्ट्री में आना कोई बहुत टॉप चीज़ नहीं है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना टॉप चीज़ है.